मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे नहीं अलीक जी, आप भी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप गलत नहीं हैं, गलत वो होता है जो गलत करता है। एक साथ दो गलतियां करती, पंची तो अपने जाल में खुद ही फंस गई। अनीसा जी, आपने मेरे समीर को जगा दिया। जमीर कहते ने अरमीर की रिहाई के बदले में आपको मुझसे शादी करनी होगी। नेहा, जिंदगी के हर मुश्किल मरहले में मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी खुद को अकेला मत समझना, तुम बहुत अच्छी हो। ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं। वो उस अलीजे को अब मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा। जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत का अंजाम पा लेना ही हो। नहीं अम्मी, अलीजे को मेरा प्यार समझना होगा और नेहा को मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। हाँ छोड़ो उसका, छोड़ो छोड़ो नेहा को, मैं नेहा को कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। नहीं, मेरे चुप रहने से और कुछ ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना अलीजा? आप ही तो मुझ पर शक कर रही हो भैया। अलीजा आप ही, मैं शक नहीं कर रही हूँ आप पर, मैं डर रही हूँ। अगर आज के बाद इस घर के सामने नजर भी आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मेरा गिरवान, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैंने कहा छोड़ो। अलमीर, अलमीर छोड़ो से, अलमीर छोड़ो से, खुदा के वास्ते। प्लीज अभी मेरे चल। मेरे होते हुए अगर तुम इस घर के आसपास भी नजर आए ना तो मैं तुम्हारा वो अच्छा करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अलीजे आपी, अलीजे आपी क्या सोच रही हैं? अलीजे आपी रोई मत, कुछ नहीं हुआ। खाला ने कहा है कि खोट मुझी में है। आप ही बकवास करती हैं, वो खोट आप में नहीं बल्कि उनकी घटिया सोच में है, इसीलिए तो वो इतनी घटिया बातें कर रही हैं। नेहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे नहीं अलीक जी, आप भी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप गलत नहीं हैं, गलत वो होता है जो गलत करता है, बल्कि वो नहीं जिसके साथ गलत हुआ हो। अब वो तड़पेगा जिसने आपके साथ गलत किया है। आप रोना बंद कर दें। मैं नहीं रो रही। ठीक हो जाएगा। आप बाबा की स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। तो मेरी सबसे प्यारी बहन हो, बस अब आपने रोना नहीं। नहीं रो रही मैं।
टहल क्यों रहे हो? बैठ जा, आराम से थक जाएगा। हमें आपको क्या जरूरत थी वहाँ जाने की? तो तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो नेहा को लेने गया था। तुम्हें क्या लगता है नेहा के लिए सिर्फ तुम ही परेशान हो? तुमसे ज्यादा परेशान हूँ मैं। किसी की बेटी की जिम्मेदारी लेनी है मैंने? तुम्हारी तो हरकतें शादी के बाद भी ऐसी रहेंगी। मैं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, माँ हूँ मैं तुम्हारी। पता है मुझे उसको यहाँ लाने के बाद क्या सलूक करने वाले हो तुम उसके साथ? अम्मी मैं प्यार करता हूँ नेहा से। बस कर दे ये ढोंग बाजियां, जाके किसी और को दिखा। मैं तो उस लड़की को यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आना चाह रही हूँ कि उसकी मजलूम बहने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हैं। वो क्या, ये क्या कह रही हैं आप? वो आपको मजलूम लगती हैं, वो चलाक हैं, और वो क्या क्या नाम है अलीजे, वो तलाक इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि उसकी अभी तक खुद शादी नहीं हुई। डर रही हूँ मैं ऊपर वाले की बेआवाज लाठी से जो दिखाई नहीं देती। अल्लाह के गजब से डर, तकब्बुर ना कर। अम्मी आप नहीं जानते। चुप रहो तुम, अब तुम नेहा के घर नहीं जाओगे, मैं जानू और अलीजे जाने। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब मैं खुद जाऊंगी अलीजे के पास और तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करूंगी। क्या, मेरा जब उससे निकाह हो चुका है तो उसके बाद अब रिश्ता मांगेंगी उनसे? बस तुम चुप हो जाओ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अम्मी, ये लो 5,000 रुपये। लेकिन अभी तो रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ, फीस मैं बाद में लेती हूँ। हो जाएगा पक्का, तुम रखो इसे। लेकिन अभी मैंने लड़की वालों से बात भी नहीं की है। तो कर लो बात, आज बात कर लो, कल शगुन कर लेंगे। बहन आप समझदार हैं, बेटियों के रिश्ते ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, थोड़ा वक्त लगता है ना। भाई लड़की मुझे और अब्दुलरहमान को पसंद आ गई है तो अब देर किस बात की? लड़की वालों को रिश्ता पसंद आएगा तब बात आगे बढ़ेगी ना। क्यों नहीं पसंद आएगा, मेरा अब्दुलरहमान लाखों में एक है। लड़की भी तो हीरा है ना। भाई जितनी जल्दी हो सके बात कर लो, मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से माना है और बहुत खुशकिस्मत है वो लड़की जिसकी फोटो देखकर उसको मेरे बेटे ने पसंद कर दिया। इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा, मैं एक दो दिन में बताती हूँ आपको। अच्छी खबर सुनाना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, बस मेरी तरफ से रिश्ता पक्का करके आना। अगर नसीब में होगा तो कोई नहीं डाल सकेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाय ये हया, मेरे दिल को भाग गई है। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो जमीला बहन? हाँ बहन, अल्लाह का शुक्र सब ठीक। अरे भैया, पहले तो चार दीवारी में होता था, अब तो सर आम होने लगा है, बड़ी बेशर्मी है। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे उस अलीजे की, उसने पता नहीं किस किस को पीछे लगा रखा है, अब उसका पुराना आशिक भी आ गया, अब देखो मोहल्ले में रोज तमाशा होगा। बहन मैं अलीजे को नहीं जानती तो मैं क्या कहूँ इस बारे में? अरे तीनों बहनें एक नंबर की मक्कार हैं, एक ने इंस्पेक्टर को, दूसरी ने चोर को, तीसरी का पता ही नहीं। छोड़े ना इसको, कोई और बात करते हैं। तुम ये बताओ कि मैंने रिश्ते वाली को भेजा था अब्दुलरहमान के लिए कोई लड़की दिखाई? हाँ, और लड़की मुझे भी पसंद आ गई है और अब्दुलरहमान को भी पसंद आ गई। अच्छा कौन है वो लड़की, दिखाओ तो तस्वीर। हाँ अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। पता नहीं माँ बेटे ने किसको पसंद करा है, अच्छे लोग के लगते तो नहीं, बड़ी चलाक औरत है। ये देखो। हेलो, एक्सीडेंट? अल्लाह रहम करे। अच्छा मैं आ रही हूँ। क्या क्या हो गया बहन, खैरियत तो है? बहन मेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया, मैं फिर आ जाऊंगी, फिर बात करूंगी तुमसे। ना खैर, इंशाल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत कर। अच्छा नेहा सुनो, तुम अली से आप ही का ख्याल रखना। हाँ मुझे अंदाज़ा है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। सुनो कोई भी आए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है? मैं तुम्हें खुद फ़ोन करूँगी। ओके। किसका फ़ोन था? नेहा। फिर कुछ हुआ है? छोड़ो ना तुम,
इन सारी बातों को। हमें तो अब आता तो गई है इन सब चीजों की। तुम ये बताओ कि बॉस ने क्या कहा? क्या कहा नेहा ने? क्या मेरी इनवॉइस बॉस को पसंद नहीं आई? तुम्हें मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, क्यों बात बदल रही हो? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? नहीं नौरीन, दोस्त नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। कुछ नहीं, मायूस नहीं होते अलमीर, इस तरह उम्मीदें खत्म होती हैं। मायूस नहीं हो आप, अपनी गलती पे शर्मिंदा हो। अलमीर तुम देखना, एक दिन अलीजे तुम्हें जरूर माफ कर देगी। उम्मीद मत छोड़ना मेरे भाई, इससे बेहतर है कि इंतजार किया जाए, अल्लाह सब ठीक कर देगा। जी आप ही, इसी उम्मीद में तो वापस आया हूं। बस तुम अपना ख्याल रखो, हर वक्त दिल को एक धड़का लगा रहता है, मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। हापी मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है? मैं इंस्पेक्टर हैदर, दरवाजा खोलो। मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सजा का भी हकदार नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब तुम्हें बचाने नहीं आए, बल्कि हमारी बारात में शामिल होने आए। मैंने इन्हें इनवाइट किया था क्योंकि एक सरकारी गवाह भी तो चाहिए ना। दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। अलीसे आप ही? अलीसे आप ही? नेहा क्या हुआ? सापी वो कौन है? आप? हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए। अलीजे जी, कपड़े को काटने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए, उसे माप लेना चाहिए, क्योंकि काटने का मौका एक बार मिलता है, वो मौका भी आपने गवा लिया। आपको झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि झूठ आपका पकड़ा जाए। आपको उससे झूठ बोलते हुए जरा डर नहीं लगा? कैसा झूठ? ये वाला झूठ। अलीजे जी, अलमीर आपका कजन तो है नहीं, मेरे सामने बस ऐसे ही कजन वजन का ड्रामा खेला जा रहा था। इंस्पेक्टर हूं, कोई पोस्टमैन नहीं हूं। आखिर पकड़ लिया ना अपना चोर। इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरी इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हुई। अलीजे जी, ये वही दूल्हा है ना जो बारात वाले दिन आपको ठुकरा के चला गया था, आपके बाबा का कातिल। अब अचानक ठुकराई हुई दुल्हन की याद कैसे आ गई दूल्हे मियां? कहीं ठुकराई हुई दुल्हन के साथ? इंस्पेक्टर अलमीर, तेरे बकवास बंद करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक साथ दो गलतियां करती, पंछी तो अपने जाल में खुद ही फंस गए। एक तो इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी, उसका गिरेबान पकड़ना, और दूसरा उसको मार देने की धमकी देना। बेटा कम से कम 6 महीने की जेल तो पक्की है। ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज अलमीर को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब चलो।
इंस्पेक्टर। अलीजा जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और हमारे पास उसका पहला मेहमान आया है। अपना ख्याल रखना, परेशान नहीं होना, मैं हूं ना, फिर मिलते हैं। अलीजा आप ही परेशान नहीं हो, मीर भाई को कुछ नहीं होगा। कैसे परेशान नहीं हूं नेहा, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अब उस इंस्पेक्टर ने अलमीर को भी पकड़ लिया। अब परेशान नहीं हूं, हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा अलमीर भाई को। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, क्या हो गया? 5 मिनट में तुम्हारी अकड़ निकल गई। कहां गई तेरी वो गीदड़ भपकियां? देखो इंस्पेक्टर, तुम जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। गलत जगह पंगा ले लिया बेटा तुमने। अब सारी जिंदगी जेल में सड़, कभी कभी छोटी सी गलती भी ना बड़ा नुकसान कर जाती है। बदबख्ती को तूने खुद दावत दी है बेटा। भुगत। इंस्पेक्टर, आवाज नीची। तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। और हां, अलीजे को अपने दिमाग से डिलीट कर दो। उसका ख्याल रखने वाला मैं हूं ना। तुम इतने घटिया, इतनी छोटी सोच के मालिक हो गए, मुझे अंदाजा नहीं था। अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है मेरा बच्चा। सोचो, जब जेल से निकलोगे ना तो मेरी बायोग्राफी बना लेना, मुझसे घटिया और कमीना इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुलाकातें तो अब होती रहेंगी और तुम्हारी खातिर तवासो भी हम करते रहेंगे। तुम्हारी मर्दानगी भी तो देखनी है हमें। और हां, मेरे और अनीसे के बीच में जो आएगा ना, मैं उसका वो हशर करूंगा, वो हशर करूंगा कि 7 नस्लें उसकी याद करेंगी। इंस्पेक्टर, आप ही कहाँ जा रही हैं आप इस टाइम? पुलिस स्टेशन, अलमीर को छुड़वाने। लोग क्या बोलेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। इसका मतलब ये कि आपने अलमीर को माफ कर दिया? बात माफी की नहीं है आया। तो फिर अलमीर से इतनी हमदर्दी क्यों आपकी? मैं तुम्हें बस, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। क्या बोले जा रही हो? क्या हो गया है आपको? आप सब कुछ भूल गई हैं क्या? अलमीर ने जो कुछ भी आपके ये साथ... वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे जाना होगा। बहुत बदल गई हैं आप। हया, क्या कहना चाहती हूँ साफ साफ बोलो ना। साफ साफ तो उनसे कहा जाता है ना आपकी, जिनका दिल साफ हो।
मुझे तुमसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी आया। जानना चाहती हो ना तो ठीक है, फिर सुनो। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते जा रही हूँ, और दूसरी वजह वो इंस्पेक्टर है जो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा है अलमीर पर, और मैं नहीं चाहती कि वो अलमीर को कोई तकलीफ हो। तुम कभी नहीं समझोगी। नहीं प्लीज, रोना बंद कर दे। अम्मा। हाँ बेटा, कुछ चाहिए? नहीं अम्मा, बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? नींद क्यों नहीं आ रही आज? पता नहीं, सोचा मैं आपके पाँव दबा दूँ। अरे नहीं नहीं, क्या जरूरत है मेरे पैर दबाने की? अरे अम्मा कुछ नहीं होता, मुझे खिदमत करने दें। अब्दुर्रहमान जी। माँ। कुछ पूछना है मुझसे? हाँ बेटा, माओ को ना औलाद के सुख और दुख जानने के लिए किसी आले की जरूरत नहीं पड़ती। चल बता क्या पूछना है। माँ मैं पूछ रहा था कि हया के घर वालों से बात हुई आपकी? वाह बेटा, पहले तो अम्मा रिश्ते का कहती थी तो बात टाल देता था, और आज उस हया में ऐसा क्या देखा है तूने? अच्छी लड़की है अम्मा। तुझे कैसे पता? अम्मा मुझे कैसे पता होगा, आप मेरी लड़की देखेंगी तो अच्छी लड़की देखेंगी ना। अच्छा अम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर हैदर की शादी का कार्ड बनना है, कोई ऐरे गैरे की शादी का कार्ड नहीं बनना। कोई और मजीद अच्छा लिखा। ए सर ये देखें, ये कैसे? लो भाई, अलीजे जी भी आ गई। मैं आप ही को याद कर रहा था, शादी के लिए कार्ड देख रहे थे। अब जिस कार्ड पे आप हाथ रखेंगे वही कार्ड बनेगा। बैठिए, तशरीफ रखिए ना। तुम ऐसे करो, जाओ। ठीक। लगता है शर्मा नहीं है आप। चले शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। क्यों अलीजे जी, अब तो ये थाना भी आपका और इंस्पेक्टर हैदर भी आपका। इंस्पेक्टर साहब, आप अलमीर को छोड़ दें। क्या क्या कहा, दोबारा बोलिए, मैंने सुना नहीं। अलमीर को छोड़ दें प्लीज। छोड़ दूं? जी। आप कहें और इंस्पेक्टर हैदर इनकार कर से, चले छोड़ देंगे। लेकिन अलीजे जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है। जानती थी। आप कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते। आपके नजदीक हर रिश्ता एक सौदा है। अपनी कीमत बताया। मैं आपसे बहुत इंप्रेस हूं, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझसे पता नहीं क्या सुलभ हो जाता। अलीजे जी, आपने मेरे समीर को जगा दिया। जमीर गया तेल लेने, अलमीर की रिहाई के बदले में आपको मुझसे शादी करनी होगी। हयापी, आप क्यों परेशान है, क्या हुआ है? आपको कोई गलत फहमी हुई है, अलीजे आपी ऐसी नहीं है। जहां आग होती है ना वहां धुआं उठता ही है। हाय आपी, ऐसी बदगुमानियां ना पालें, इतनी बदगुमानियां अच्छी नहीं होती। नहीं नेहा,
बदगुमान नहीं हूं मैं, हकीकत है ये। जब से अलमीर भाई वापस आए हैं, अली से आप बदल गई हैं। आप अली से आपी की मोहब्बत पे शक कर रही हैं? नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ, मुझे बस दुख हो रहा है जिस इंसान की वजह से हम किसी को शक्ल तक दिखाने के काबिल नहीं रहे, आज उसके लिए हयापी। बदगुमानियों की वजह से दूसरों की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ नजर आती हैं, और हमें दूसरों का सहारा बनना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ अच्छा भी नहीं किया जाता जिस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ दुख दिए हो। पहले अलीजे आपी का दिल तोड़ा, फिर बाबा हमें छोड़कर चले गए। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उस सबके जिम्मेदार सिर्फ अलमीर भाई हैं। और अलीजे आपी ने क्या किया नेहा? वो उसको छुड़वाने के लिए चली गई। हाँ आपी, बाबा कहते थे जिंदगी का सच दूसरों का सहारा बनने में है, ना कि सहारा ढूंढने में। नहीं, हमें नहीं बनना किसी का सहारा। हाँ आपी, मरियम अपने लिए जिनको ठंडी हवाएं समझ रही है, वो उसके लिए तूफान बनती जा रही है। मैं इंस्पेक्टर को छोड़ूंगा नहीं, बस बस एक बार मैं यहां से निकलता। बहुत ही सख्त नादम हो, माफ कर दे मुझे। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। नहीं आप ही, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी है। जिंदगी से दर्द है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हया। तुम्हें क्या लग रहा था कि अलमीर मेरी जिंदगी में वापस आ गया है? जिंदगी में इंसान को सब कुछ तो नहीं मिल जाता ना। जब चोट लगती है ना, तब लोहे को पता होता है कि उसने किस तरह से घूमना है, और फिर जिंदगी बदलते देर ही कितनी लगती है। माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे, डर गई थी मैं। मुझे लगा कि आप कहीं फिर से उस अलमीर की मोहब्बत के झूठे जाल में ना फंस जाएं आप ही, बस इसीलिए। अभी मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती। जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार चली जाए तो दोबारा कभी वापस नहीं आती। और मुझे अब उन चीजों की ख्वाहिश भी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की खुशी मायने रखती है।
तुम में और दूसरों में जमीन आसमान का फर्क है। माफ कर दे, मैंने आप पर शक किया। जिनसे प्यार करते हैं ना, उनकी नियत पर कभी शक नहीं करते। सॉरी, माफ कर दे। आइंदा कभी नहीं करूंगी। आप भी लियो, मैं भी लियो।